गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। ये हमारा पार्ट थ्री वीडियो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टर्बो सी प्लस प्लस आप ऑन कर लीजिए। चलिए पहले लूप की बात कर लेते हैं। पहला लूप है हमारा इफ स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसका सिंटैक्स लेते हैं। सिंटैक्स का बेसिकली क्या है, इफ ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होंगे। इसको कमेंट के साथ लिखते हैं, आपको जैसे याद रहे। कमेंट कैसे लिखते हैं, स्लैश एस्ट्रिक के साथ क्या लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट का सबसे यूज क्या है, इफ के अंदर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसा है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ये हमारे एक्सप्रेशन है। उसके जो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। ये हमारा क्या है, ये सिंटैक्स है इफ का। अब चलिए एक छोटा सा इसका प्रोग्राम करते हैं इफ का। हैश इंक्लूड stdio.h void main, क्या ले लेंगे, void void main में एक ले लेंगे int, क्या score नाम से variable ले लेंगे। इसमें डाल देंगे 89 value डाल देंगे। अब चेक करेंगे if, if क्या, if हमारा जो स्कोर है, अगर if ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, स्कोर ग्रेटर देन 75, ग्रेटर देन 75 है, अगर है तो प्रिंट, प्रिंट एफ, तो प्रिंट क्या करा देंगे, यू पास्ड स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं हम लोग, और गेट सी एच ब्रैकेट बंद। अब इसको सेव करा देते हैं। सेव करा लेंगे किस से, पहले से है तो हम इसको सेव करा लेते हैं आई के नाम से, आई डॉट सी। सी एक्सटेंशन होता है सी प्रोग्राम को सेव करने के लिए, सी फाइल को सेव करने के लिए। अब इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करेंगे दो एरर आ, एरर कहाँ आ रही, यहाँ पे एरर आ रही है, मतलब ये एरर आ रही हमारी। वो फिर से कंपाइल कराते हैं। स्टेटमेंट मिसिंग कौन सा, अच्छा हमने लोग स्टेटमेंट क्या मिसिंग है, सेमी कोलन नहीं लगाया, ठीक। सेव कर देंगे, F9 करेंगे, जीरो। कंपाइल हमारा जो हमारा प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया। अब हम चेक करते हैं, रन कराते हैं। रन कराएंगे तो हमारा अगर स्कोर ग्रेटर देन 75 है तो हमारा यू प्रिंट क्या कर देगा, यू पास्ड। तो कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 कर लीजिए या डायरेक्ट रन पे जाकर रन करा लीजिए। कंट्रोल F9 ये शॉर्टकट है, कंट्रोल F9, यू पास, मतलब हमारा जो स्कोर है 75 से ग्रेटर है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं, इसी में एक्सप्रेशन क्या होते हैं। लेस देन होता है, जहाँ हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा है, जो स्कोर ग्रेटर देन 75 लिखा है, यहीं पर हम लोग लेस देन होता है, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं किसका, इक्वल टू का, ठीक। इक्वल टू का हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। क्या करेंगे, सीधा एक हमने 89 रहने देते हैं, यहाँ सिर्फ डाल देते हैं क्या, नंबर डाल देते हैं, नंबर हमारा 89 है। अगर हम यहाँ कर लेते हैं, हम यहाँ चल कर लेंगे नंबर, अगर इक्वल टू 75 है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग नंबर को बढ़ा देते हैं, नंबर प्लस 1 = 1, एक नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक। लिख के प्रिंट आएगा, यू विन, यू पास लिख के आएगा या यू विन लिख के आएगा, ठीक। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं लिख के आएगा। हम चेक कर लेते हैं पहले, यहीं पे 80-90 कर लेते हैं, ठीक, 90 कर लेते हैं, ठीक।
कंपाइल कराएंगे, पास हो गया, रन कराएंगे, यू पास। अतः हमारा जो नंबर है, हमें 89 है। पहले क्या किया इस प्रोग्राम में, आप समझिए, इंट हमारा, इंट क्या है, एक डाटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, नाम हमारे एक वेरिएबल है जिसमें हमने 89 को स्टोर कराया है, और उसी के नेक्स्ट बाद हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दिया, एक नंबर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, क्या, वन, नम प्लस इक्वल टू वन, हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, 89 था, अब नीचे आकर आगे हो गया 90, और अब चेक करेंगे इफ 90 इक्वल टू 90, यस, ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमने कमेंट में बता देते हैं आप लोग, कमेंट एस्ट्रिक, कमेंट एस्ट्रिक नम क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, नम इक्वल टू अब हो गया यहाँ पे 90 हो गया, अब नम यहाँ 90 हो गया, तो नीचे जब आएगा तो यहाँ चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कमेंट में लिख देते हैं हम लोग, सॉरी कमेंट में लिख देते हैं हम लोग 90 इक्वल टू 90, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कर देगा यू पास्ट, ये हमारा इक्वल टू का इक्वल टू सॉरी इक्वल टू का एक ही बार इक्वल टू, ये हमारा एक्सप्रेशन इक्वल टू का। अब हम अगर इसी में अगर अगर हम इसी में हम लोग बात करते हैं एल्स की बात कर लेते हैं, इसी स्टेटमेंट में लोग इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग ने एल्स की बात कर लेते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक, अगर यहाँ पे एल्स डाल देते हैं, एल्स एल्स प्रिंट एफ नॉट पास्ड ठीक स्लैश एन नॉट पास डाल देते हैं ठीक स्लैश एन ये। अब क्या कर देते हैं, एक हम लोग और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या डाल देंगे 89 डाल देंगे 89, क्योंकि 89 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप पहले में जो समझते हैं प्रोग्राम करना क्या है, हमने इंट टाइप डाटा टाइप लिया है और इसमें नम एक वेरिएबल लिया है, 89 को हमने नम में स्टोर कराया है, अब यहाँ पर नीचे जब कॉमा आएगा तो ये जो हमारे कमांड लिखा है ये 90 हो जाएगा, नम हमारा क्या होगा 90 होगा। अब यहाँ देखिए ये कमांड यहाँ बन लेंगे, अगर हाँ 90 हो गया, अगर 90 इक्वल टू 89 के है तो पास हो जाएगा, मतलब यू पास हो, अगर नहीं है तो एल्स में आएगा यू नॉट पास्ड। तो इसमें आप देखिए कि जो नम है हमारा ऊपर से इंक्रीमेंट हुआ तो वो नम हमारा 90 होगा, 90 इक्वल टू 89 नहीं है, कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी तो हमारा एल्स पार्ट में आ जाएंगे, एल्स पार्ट में आएगा तो प्रिंट ऑफ क्या प्रिंट करेगा नॉट पास्ड। कंपाइल करेंगे, कंपाइल के पास हो गया हमारा, कंपाइल सक्सेसफुली पास हो गया, अब कंट्रोल F9 करेंगे रन करने के लिए, लिख के आया नॉट पास्ड, नॉट पास्ड मतलब हमारा जो 90 इक्वल टू 89 नहीं है, तो हमारा एल्स पार्ट के अंदर आ गए। अब बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, एक छोटा सा इफ के अंदर ही एक दूसरा इफ आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ, एक इफ के स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट आना और उसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। बेसिकली छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम क्या होगा, मान लेते हैं, चलिए ठीक, नम का ही लेते हैं, 89 लिया, यहाँ पे स्कोर कर रहे पहला वाला कर देते हैं, नम ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 है तो लिख के आएगा द नंबर यू पास लिख के आ गया, और टॉप ये भी लिख देते हैं टॉप 10% ठीक, आप टॉप 10% में ठीक। एल्स इफ, एल्स अब यहाँ पे ये एल्स इफ का ही मतलब है, हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या प्रिंट कर देंगे, इसमें प्रिंट कर देंगे, अगर हम एफ एल्स इसमें ब्रैकेट में क्या करेंगे, अगर हमारा नम ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 80 है
80 है तो, 80 है अगर, तो यहाँ प्रिंट कर देंगे आप टॉप 5 हैं, 5 टॉप 20 में हैं, 20%। ठीक, 20%। अब क्या करेंगे, अब else, ओ सॉरी, else if स्कोर ग्रेटर देन 75, अगर 75 ग्रेटर है तो प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ यू, सॉरी यू पास्ड, ओनली यू पास्ड। ठीक, ओनली यू पास्ड। एल्स अगर ऐसा नहीं है, एल्स प्रिंट एफ यू डिड नॉट पास। ठीक, आप समझते हैं क्या है, जो हमारा नम है, सॉरी इसको ले लिया, यहाँ पे नम लेना चाहिए था। सेव कर देंगे इसको, हमने एक इंट लिया जिसमें नम नाम का वेरिएबल लिया, 89 स्टोर किया। अब चेक करते हैं क्या, इफ अगर 89 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट करेगा के अंदर आ जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर नीचे ला आएगा कि अगर ना 89 ग्रेटर देन 80 है तो पास 20% आएगा। तो हमारा, हमने जो वेरिएबल लिया था उसमें हमने 89 को स्टोर कराया, तो 89 फर्स्ट कंडीशन मैच नहीं करती है, 89 90 से ग्रेटर नहीं है और ना इक्वल है, तो हम एल्स इफ पार्ट में आएंगे, एफ इफ पार्ट में आएंगे, तो यहाँ करेंगे क्या, 89 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर ऐसा है तो हम लोग पास 20% लिख देंगे। ठीक, 20% प्रिंट हो जाएगा। तो कंपाइल कराते हैं, कंपाइल में एक एरर आ रही है, एरर कहाँ आ रही है, सिंबल प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ कहीं गड़बड़ किया है, सॉरी प्रिंट एफ पे हमने कहीं गड़बड़ मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे प्रिंट एफ की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, जीरो एरर। अब रन कराते हैं, रन कराएंगे तो हमारा पास 20% प्रिंट हो जाएगा, पास 20% प्रिंट होगा, क्योंकि इसलिए प्रिंट हो गया कि हमारा जो 89 जो हमने वेरिएबल लिया था, एक वैल्यू ली थी वेरिएबल नम में, तो वो मैच कर रहा है एल्स इफ स्टेटमेंट में, जहाँ हो 89 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, अगर हाँ 89 बड़ा है 80 से तो हम पास 20 कर देंगे और डायरेक्ट प्रिंट करके बाहर आ जाएंगे लूप के। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं द स्विच स्टेटमेंट की, बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट, एक इसको फिर हटा देते हैं, स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, ये स्विच एक्सप्रेशन, उसके बाद उसमें केस दे देंगे। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, पहले उसी माध्यम से सीखते हैं, इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, यहाँ पर इंट नम टर्म का वेरिएबल लेंगे जिसमें वैल्यू को 3 वैल्यू हम लेंगे और स्विच लगा देंगे, स्विच स्विच का व्यू, स्विच के ब्रैकेट के अंदर हम लोग नम जो हमारा वेरिएबल है उसको लिखते हैं। ठीक, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब केस वन क्या होगा, केस वन में क्या होगा, अगर जो नम है जो हमारा यूजर ने, अगर यूज हमने नम लिया है, अगर हम यूजर से भी मांगते हैं, अगर यूजर ने यूज, अगर हम यहाँ पर नम इक्वल टू 3 नहीं लिखते हैं, अगर हम वो नंबर यूजर से मांगते हैं, तो अगर यूजर 1 डालता है तो केस 1 प्रिंट होगा, अगर यूजर 2 डालता है तो केस 2 प्रिंट होगा, बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी नम 3 ले लिया है, तो नम 3 में हमारा जो केस 3 होगा वो हमारा प्रिंट होगा। तो केस 1, केस 1 में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ 1। ठीक, प्रिंट एफ 1 प्रिंट कर देंगे, उसके बाद लगा देंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्यों यूज करते हैं, ब्रेक
ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट ये होता है बेसिकली, अगर केस वन हमारा प्रिंट हो गया तो उसी के बाद ये हमारा प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, जो हमारा लू ये केस वन है उसको वहां से ब्रेक कर देगा और बाहर कर देगा, ठीक। तो आगे कंटिन्यू नहीं करता है ब्रेक स्टेटमेंट, ये हमारा जिस प्रोग्राम अगर वो कंडीशन पूरी हो गई तो वहां से हमारा वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। अब केस टू लेते हैं, केस टू, केस टू में प्रिंट करते हैं प्रिंट प्रिंट एफ टू, यहां लगा देंगे ब्रेक। केस थ्री में, केस थ्री में प्रिंट करते हैं थ्री प्रिंट एफ स्लैश थ्री, लगा देंगे ब्रेक। अब हम देखते हैं कि हमने ऑलरेडी हमने नम को वैल्यू को थ्री थ्री को स्टोर करा लिया है, नम में थ्री को हमने स्टोर करा है। अब स्विच में आएंगे, स्विच में ब्रैकेट में लिखा हुआ है नम, नम क्या है हमारा थ्री है, ऑलरेडी ऊपर हमने थ्री डिक्लेयर कर लिया है। केस वन नहीं आएगा हमारे पास, केस वन को, केस वन हमारा वन है तो नहीं आएंगे, ब्रेक हो जाएगा, केस टू पे आएंगे नहीं होगा। केस थ्री, केस थ्री मैच कर रहा है नम इक्वल टू थ्री है, तो केस थ्री हमारा प्रिंट हो जाएगा थ्री। अब हम यहाँ पे एक और लेते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का यूज़ इसलिए करते हैं अगर बाय डिफॉल्ट यूज़र ने प्रिंट कर दिया है, अगर केस हमारे पास तीन ही है, यूज़र ने प्रिंट कर दिया फोर और बाय डिफॉल्ट ऊपर ही हमने डिक्लेयर कर दिया फोर्थ, तो फोर्थ केस ही नहीं है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट में हम लोग ये कर देंगे, डिफॉल्ट में ये लिखेंगे प्रिंट एफ नॉट वन नॉट टू नॉट थ्री, ठीक, ये तीनों नंबर नहीं है, कृपया आप कोई और नंबर को इन्हीं तीनों में से वन टू थ्री में से आप हमको यूजर यूजर से मांगिए या ऊपर ही वन टू थ्री में से कोई एक नंबर को ऊपर को डिक्लेयर करें, ठीक, ये हमारा डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक। अब ये देखते हैं नम, नम हमारा क्या है थ्री है, और स्विच अब यहाँ पे आएंगे, स्विच में, स्विच में आ गए नम, नम इसका तो हमारे ऊपर ऑलरेडी क्या है थ्री डिक्लेयर्ड है, अब स्विच में नम है, नम हमारे ऊपर डिक्लेयर किया थ्री, अब थ्री के अंदर आएंगे, केस वन क्या है हमारे पास, केस वन नम हमने थ्री डिक्लेयर किया तो केस वन को छोड़ देंगे, लीव करेंगे, फिर केस टू पे आएंगे हम लोग, केस टू को भी लीव कर देंगे, नंबर हमें ऊपर हमने डिक्लेयर किया नम की वैल्यू थ्री, तो केस थ्री में आएंगे, थ्री में क्या है केस थ्री मैच करता है, नम की वैल्यू हमने थ्री ली थी, अब केस थ्री के अंदर आएंगे तो प्रिंट कर देगा थ्री और वहीं पर ब्रेक कर देगा और लूप के हम लोग बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे, ठीक। अगर यही समझते हैं, अगर हमने पहले इसको रन करा के देखते हैं नम थ्री को, कंपाइल के कहीं एरर आ रही है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, ओके कंपाइल करा लेंगे, ठीक, एक हमारा ब्रैकेट मिसिंग था, ठीक। तो कंपाइल करा लिए और अब देखते हैं कंपाइल कराने में हमारे नो एरर आ रही है, अप टू डेट है सब कुछ, तो अब इसको रन कराते हैं, रन कराएंगे तो हमारा प्रिंट करेगा थ्री प्रिंट करेगा, थ्री प्रिंट हो गया हमारे पास, हमने थ्री प्रिंट हो गया, हमने गलती से तीन बार कर दिया था, F9 रन कराएंगे, थ्री हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ने नम की वैल्यू हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं, नम की वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग चेंज, नम फोर लिख देंगे, नम फोर की वैल्यू यहाँ कर देंगे। अब ये देखिए केस वन का, केस वन हमारे पास है, केस टू हमारे पास, केस थ्री, मगर केस फोर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो केस फोर की जगह हम लोग ने, इसलिए हम लोग ने डिफॉल्ट का यूज़ किया था, अगर यूज़र हमको कोई दूसरा नंबर प्रिंट कर दे जो हमारे केस के अंदर नहीं है और तो हम क्या प्रिंट करते हैं, डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट वन नॉट टू नॉट थ्री, इन तीनों में से नंबर में से कोई नहीं है, कृपया आप इन तीनों में से कोई नंबर को इंसर्ट करिए या डिक्लेयर करिए, ठीक। तो अगर हम इसको कंपाइल कराते हैं, सेव करके कंपाइल करेंगे तो
वार्निंग नहीं दे रहा है, ना एरर है हमारे पास, तो हम लोग उसको रन कराए, रन कराएंगे तो क्या आएगा, नॉट वन नॉट टू नॉट थ्री। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर टू टाइप के होते हैं, एंड एंड और, यह बात कर लेते हैं ओनली। पहले हम लोग एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। एंड और, एंड का जो सिंबल होता है, जो यहाँ लिख लेते हैं एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है, कमेंट में ही लिख देते हैं हम लोग, एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होगा एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होगा दो डबल एंड होगा, ये सिंबल हो तो एंड का, और का जो सिंबल होगा वो ये हमारा और का सिंबल है। ठीक, तो कमेंट हम बंद कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं एंड और ऑपरेटर का। ठीक, अब छोटा सा इसमें वर्ड ले ली, अब यहाँ पे हम लोग कैर ले लेते हैं, कैर डाटा टाइप है जो हमें कैरेक्टर स्टोर कराता है, इसमें ले लेते हैं एक एक्स ले लेते हैं एक्स। अब यहाँ पे करते हैं इफ, इफ एन इक्वल टू करेक्टर एक्स और एन इक्वल टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स देन क्या प्रिंट कर दे, तो प्रिंट कर दे हमारा रोमन न्यूमरल वैल्यू। ठीक, 10 न्यूमरल वैल्यू क्या है इसकी, 10 स्लैश एन प्रिंट कर लेगा। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया हम लोग ने, कंट्रोल एस से भी ऑलरेडी हमारा ये इसका सेव हुआ, आई डॉट एक्सटेंशन के नाम से सेव है। अब होगा क्या, चेक करेगा, हमने करेक्टर में स्मॉल एक्स दिया, अब ये चेक करेगा इफ एन में क्या है हमारा स्मॉल एक्स, अगर एक्स इक्वल टू एक्स है तो प्रिंट, और उसी समय और क्या है, और उसी समय जो एन है वो कैपिटल एक्स एस, अगर इन दोनों में से कोई एक हुआ तो हमें प्रिंट हो जाएगा रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, कंपाइल कराएंगे, एक वार्निंग दे रहा है, ओके 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 ओके, प्रिंटफ में गलती है, प्रिंटफ में टी नहीं लगा है, सेव कर देंगे और F9 दबाएंगे, कंपाइल हो गया, नो वार्निंग नो एरर। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, रन कराएंगे क्या कहेगा, रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू इज 10, हमारा किसी एक कंडीशन को यहाँ ट्रू होना पड़ेगा। अब यहाँ पे मतलब, और हमारे पास ये है कि ये तो वन एक्सप्रेशन और ये बोथ एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब यहाँ पे हमारा एक कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करा लेंगे, अगर दोनों कंडीशन हो तब भी प्रिंट कराते हैं करा लेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे अगर एंड ऑपरेटर के बारे में, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, वन बोथ एक्सप्रेशन इज ट्रू, जब दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होंगे तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर लगा लेते हैं, ये एंड ऑपरेटर लगा लेंगे और यहाँ पे एल्स पार्ट लिख लेंगे एल्स। ठीक, एल्स पार्ट लेंगे, एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ नॉट लिख लेते हैं नॉट। ठीक, एक न्यू लाइन लेते हैं स्लैश एन। ठीक, सेव कर लेंगे और F9 देंगे, नो एरर नो वार्निंग। अब देखिए अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी हमारा रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू 10 प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉट प्रिंट होगा। ठीक, तो रन करते हैं, हमारा नॉट वैल्यू प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट हुआ, अब ये चेक करते हैं, जो हमने करेक्टर वैल्यू लिए थे, जो एक्स लिया था स्मॉल एक्स, इफ स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। अब सेकंड कंडीशन मैच कराते हैं,
कि स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, कंडीशन फॉल्स है, मतलब कंडीशन एक फॉल्स कंडीशन मतलब तो पूरा प्रोग्राम ये कंडीशन ही पूरी गलत हो गई, तो हम प्रिंट एल्स पार्ट में आ जाएंगे और नॉट हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एंड ऑपरेटर है। आप चेक करते हैं, अब हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर, यहां पे कमेंट में लिख देते हैं नॉट ऑपरेटर का साइन होता है, नॉट का साइन होता है ये, नॉट ऑपरेटर का साइन होता है। ठीक, अब यहां पे हम लोग एक और का यूज करते हैं, और का इस्तेमाल करते हैं, और का इस्तेमाल करेंगे, ये डबल ब्रैकेट के अंदर होता है, और यहां पे लगेगा नॉट, तो ये प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। अब ये करते हैं, तो नॉट ऑपरेटर रिटर्न रिवर्स ऑफ इट्स वैल्यू, जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है ये रिवर्स रिटर्न करता है वैल्यू का। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, अगर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो ट्रू ये रिटर्न करेगा। तो कंपाइल कराते हैं, कंपाइल जीरो और रन कराएंगे, रन करेगा नॉट नॉट रिटर्न कराएगा। अब ये चेक करते हैं, और ये पहले हम समझते हैं और क्या, और होता है अगर एक एक कंडीशन या दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो, या तो एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो हमारा जो प्रिंट एफ में आ जाएगा और प्रिंट कर देगा रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रू। अब यहाँ पे आगे नॉट लगा है, नॉट लगा है, अब ये समझिए जो स्टेटमेंट हमने अब यहाँ पे करते हैं क्या है, स्मॉल एन, ये पार्ट स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एन ट्रू है, और आगे लगा हुआ है नॉट साइन, मतलब जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा। जो हमारे स्मॉल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स है, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक, अब ये फॉल्स हो गई, अब इस पे आएंगे, और अब यहाँ पे लगा हुआ है स्मॉल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। आगे नॉट लगा है तो हमारा प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक, अब इसको ए को इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एन की वैल्यू चेंज कर देते हैं, एन की वैल्यू क्या कर देते हैं, वी डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये देखिए, अब दोनों मैच नहीं कर रही हैं, एन की वैल्यू वी है, यहाँ गलत है, ये गलत है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए क्योंकि हमारा आगे नॉट लगा हुआ है। ठीक, अगर यहाँ नॉट ना लगा होता, ठीक, तो हमारा ये भी ये गलत है, ये भी गलत है, तो हम एल्स पार्ट में आ जाते हैं। ठीक, अगर नॉट ना लगा होता, अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो हमारा ये प्रिंट कर देगा प्रिंट न्यूमेरल वैल्यू 10। ठीक, इसको सेव करते हैं और कंपाइल करेंगे, जीरो एरर आ रही है, कोई एरर नहीं है। ठीक, तो प्रिंट क्या करेगा, रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि हमारा आगे नॉट लगा हुआ है। F9 करेंगे, रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। ठीक, क्योंकि आगे हमारा नॉट लगा हुआ, नॉट ऑपरेटर का यूज हुआ है। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लूप की, बात कर लेते हैं। ठीक, अब यहां एक इसी में बात कर लेते हैं, वाइल्ड और डू वाइल्ड की बात कर लेते हैं। ठीक, वाइल्ड क्या होता है, वाइल्ड एक्सप्रेशन, उसके बाद स्टेटमेंट। चलिए प्रोग्राम करते हैं, एक इंट नाम का लेते हैं वेरिएबल, इसमें काउंट इक्वल टू 1 प्रिंट कर देते हैं। ठीक, अब वाइल के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी, काउंट अगर लेस देन इक्वल टू 8 है, तो अगर है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ क्या कर देंगे, काउंट इक्वल टू परसेंटेज डी, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग ने इंटीजर टाइप लिया हुआ है, और स्लैश एन इस यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए, प्रिंट कर देंगे काउंट को हम लोग ने, और प्रिंट कर देंगे। ठीक, और नीचे काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे, काउंट को हम लोग प्लस कर देंगे, ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब क्या होगा, ये हमने लिया वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन दिया, एक्सप्रेशन क्या दिया, काउंट अगर लेस देन 8 है तो प्रिंट हो जाएगा काउंट इक्वल टू
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक। और काउंट हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट, अगर यहाँ वन होगा, वन के बाद फिर काउंट प्लस प्लस है, फिर ऊपर जाएगा, मैच करेगा। अगर टू टू लेस देन एट है, हाँ है, तो टू फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू अब थ्री हो गई, अब थ्री को फिर ऊपर जाएगा, थ्री लेस देन एट है, अगर ट्रू है, ट्रू है, लेस देन थ्री है, फिर काउंट थ्री प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट प्लस प्लस लगा हुआ है नीचे एक्सप्रेशन, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर फोर हो जाएगा, काउंट की वैल्यू फोर हो जाएगी, फोर लेस देन इक्वल टू एट, तो फिर काउंट फोर प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट बढ़ जाएगी, काउंट की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, काउंट की वैल्यू अब फाइव हो गई, फाइव फिर ऊपर जाएगा वाइल कंडीशन में, मैच करेगा फाइव लेस देन इक्वल टू एट, फिर काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट बढ़ जाएगा, काउंट की वैल्यू अब सिक्स हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा सिक्स लेस देन एट, हाँ ट्रू है, फिर सिक्स प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट बढ़ जाएगा एक, तो सिक्स था पहले, अब सेवन हो जाएगा, सेवन लेस देन एट ट्रू है, तो सेवन प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेवन इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब काउंट की वैल्यू एट हो गई। अब ऊपर चेक करेगा कि एट लेस देन एट, कंडीशन फॉल्स हो गई, काउंट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और लूप के बाहर आएगा, तो प्रिंट कर देगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक हमारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल कराएंगे, कंपाइल एक एरर बता रहा है, एक एरर कहाँ बता रहा है, वाइल काउंट, ओ सॉरी काउंट, ओके यहाँ पर टी ले लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक थी काउंट की, ठीक। अब कंपाइल कराएंगे, कंपाइल हो गया, अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो गया हमारा काउंट की वैल्यू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारी वैल्यू को प्रिंट कर लिया है। ये हमारा वाइल लूप है, वाइल के अंदर हमारा होगा कंडीशन, कंडीशन के बाद हमारा हमने लिया है प्रिंट करा लेंगे, अगर कंडीशन मैच होती है प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा तो वो बाहर आ जाएगा लूप के। अब डू वाइल के एक्सप्रेशन देखते हैं, डू वाइल में होता क्या है, पहले एग्जीक्यूट कर लेता है दम स्टेटमेंट को, पहले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है, देन हमारा कंडीशन होता है, इसी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इसको रिवर्स कर देते हैं, क्या करेंगे रिवर्स, क्या करेंगे सिर्फ यहां डू लगा लेते हैं, डू लूप के बाहर लगा लेते हैं वाइल, ये हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, काउंट लेस देन एट, ये सेव हो जाएगा, ठीक, ये सेव कर लिया हमने। अब देखते हैं इसमें होगा क्या, इसमें भी वही काम होगा, डू होगा स्टेटमेंट, अकाउंट हमारा वन है तो हमारा डायरेक्टली वन हमारा प्रिंट हो जाएगा, वन हमारा प्रिंट हो गया, अब काउंट बढ़ा, काउंट क्या है, अब काउंट हमारा टू हो गया, ठीक। चेक करेगा वाइल में, वाइल टू लेस देन एट, फिर जाएगा प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर मैच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मैच करेगा, ये चलेगा सात सेवन तक, जब प्रिंट सेवन प्रिंट हो जाएगा तब काउंट की वैल्यू एट आ जाएगी। अब नीचे आएंगे इस कंडीशन में, यहाँ पे चेक होगा एट लेस देन एट ट्रू, कंडीशन हमारी ट्रू होगी कि फॉल्स, कंडीशन हमारी या फॉल्स होगी, क्योंकि हमारा एट लेस देन एट लगा हुआ, सिंबल हमारा एट लेस देन लगा हुआ, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, अगर इक्वल टू लगता तो कंडीशन ये एट भी प्रिंट करता, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन लगा हुआ, तो हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, नो एरर, रन कराएंगे, ये हमारा प्रिंट हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक। ये हमारा डू है, डू वाइल स्टेटमेंट, इसमें होता क्या है, जो लूप होता है, लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द लूप स्टेटमेंट बिफोर इन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन इफ द लूप शुड बी रिपीटेड इट टेक द फॉर्म, ठीक। जो डू होगा उसके अंदर पहले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, देन काउंट, काउंट यहाँ पे काउंट लिखा है, काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर हमारा कंडीशन चेक करेगा, ठीक। जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो हमारा पहले ही प्रिंट हो जाएगी। और वाइल लूप में ये होता है, पहले हमारा कंडीशन को मैच कराता, सेटिस्फाई कराता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तभी हम लूप के अंदर भेजता है। मगर इसमें डू वाइल में क्या है, डू वाइल जैसे ही काउंट हमने काउंट में वन पहले ऊपर इनिशियलाइज कर दिया, तो डू में सीधे डायरेक्ट काउंट प्रिंट हो जाएगा, वन प्रिंट हो जाएगा, देन इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे। ये हमारा आज वाइल लूप खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की, बात कर लेते हैं फॉर लूप में, एक प्रोग्राम करते हैं फॉर लूप का, इसी के अंदर काम कर लेते हैं। ये फॉर लूप की बात कर लेते हैं, फॉर लूप की बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक इंटीजर लेते हैं आई नाम का,
आई किस लिए लेते हैं, क्योंकि हम फॉर लूप में चाहना होता है, आई ले लेंगे, और इंट नाम का एक और वेरिएबल लेंगे, इंट नाम डाटा टाइप, जिसमें मैक्स इक्वल टू 10 कर लेते हैं, मैक्स वैल्यू हम लोग ने 10 के। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर यहाँ फॉर होगा पहले आई, आई को इनिशियलाइज करेंगे, आई को इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल टू 0, आई को इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट आता है फॉर के अंदर, ये होता है फॉर के अंदर, पहले फॉर के अंदर आएंगे, पहला ये पार्ट होता है इनिशियलाइज का, हमने इनिशियलाइज क्या कर दिया आई इक्वल टू 0। अब आता है पार्ट कंडीशन पार्ट आता है, फिर कंडीशन पार्ट क्या आएगा, आई लेस देन मैक्स, अगर आई लेस देन मैक्स है ये कंडीशन हमारा है, उसके बाद आता है फॉर लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या करेंगे, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटाना माइनस माइनस, इंक्रीमेंट बाय वन और इंक्रीमेंट बाय डिक्रीमेंट बाय वन, ठीक। अगर ये है तो प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश स्लैश एन आई आई वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक। अब ये देखते हैं क्या है, सेव है। अब यहाँ चेक करते हैं आई इज इक्वल टू 0, ये हमारा इनिशियलाइज पार्ट है, आई लेस देन मैक्स ये हमारा कंडीशन पार्ट है, कंडीशन लगाते हैं जहाँ, और ये पार्ट हमारा आई प्लस प्लस ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है, ठीक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है। अब ये देखते हैं पहले सॉल्व करते हैं, आई इज इक्वल टू 0 और आई 0 है तो ये चेक करेगा 0 लेस देन मैक्स है, हाँ है, मैक्स की वैल्यू क्या है 10, तो मैक्स वैल्यू 10 है, ये ट्रू कंडीशन हो गई, तो आई हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट लगा हुआ है एक बढ़ जाएगा, फिर वन आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन मैक्स 1 लेस देन 10 ट्रू है, ये प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, फिर 2 आएगा, 2 की वैल्यू 2 लेस देन मैक्स सही, ये कंडीशन ट्रू हो गई, मैच हो गई, फिर अंदर आएगा 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर इसी तरह 10 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू जब 10 होगी तो 10 लेस देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू 10 थी, मतलब 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक, लूप के बाहर आ जाएगा, और जो नंबर थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये प्रिंट कर लेंगे, कंपाइल करेंगे, नो एरर, F9 दबाएंगे, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा नंबर को प्रिंट कर देगा। आज हम लोग ने पढ़ा लूप स्टेटमेंट, सारे ऑपरेटर पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें एंड और नॉट ऑपरेटर पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे फंक्शन, एरे और पॉइंटर के बारे में। सो थैंक यू गाइज़।